विदर्भ की काशी कहे जाने वाले भंडारा जिले के पवनी कस्बे के ऐतिहासिक पवन राजा परकोट किले में सोमवार 8 नवंबर को दीपोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर किले पर 5101 बत्तियां जलाकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहन पंचभाई और पुलिस निरीक्षक जगदीश गायकवाड़ मटका पवनी नगर निवासी ने दीपावली मनाई। पवनी नगरी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत बड़ी है। इस ऐतिहासिक शहर में राजा, संत, कवि और साथ ही बुद्ध भिक्षु स्वतंत्रता सेनानी बने, जिसने इस शहर को पवित्र किया। पवनी शहर को मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। जैसे काशी के प्रसिद्ध शहर में आप नदी, घाट, मंदिर जैसे कई आध्यात्मिक स्थान देख सकते हैं, वैसे इस हवादार शहर में ऐतिहासिक घाट, ईगल स्तंभ, ऐतिहासिक मंदिर, प्रसिद्ध किला, बुद्ध का पवित्र स्थान के साथ साथ कई ऐतिहासिक साक्ष्य भी हैं। पिछले कुछ दशकों में पीछे मुड़कर देखें तो ऐतिहासिक शहर पवनी पर्यटन के मामले में ज्यादा विकसित नहीं हुआ है। इसलिए इतनी बड़ी ऐतिहासिक संपदा हासिल करने के बाद भी आप देख सकते हैं कि पवन नगर पर्यटन विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है। शिवसारथी समूह पिछले साल से पवन राजा परकोट किले में भव्य दीपोत्सव समारोह, शहर में इन जीवित ऐतिहासिक साक्ष्यों को पोषित करने, पवनी शहर में पर्यटन को बढ़ाने, शहर के ऐतिहासिक वैभव को दुनिया के सामने लाने और रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से मना रहा है। स्थानीय लोगों के लिए अवसर, पवनी शहर के ऐतिहासिक गौरव को दुनिया के सामने लाने के लिए कई छात्र एक साथ आ रहे हैं। इस वर्ष दीपोत्सव समारोह के अवसर पर पवन राजा परकोट किले में सोमवार 8 नवंबर को 5101 दीपों की दिवाली मनाई गई। इसके साथ ही विभिन्न इतिहास बढ़ाने वाले प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। फोर्ट बिल्ड प्रतियोगिता मुख्य रूप से छात्रों के लिए आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं को बख्शीस वितरण जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहन पंचभाई, पुलिस निरीक्षक जगदीश गायकवाड़, नितिन अंबेडकर इनकी उपस्थिति में दीपोत्सव सोहला 2021 के अवसर पर शिवसारथी समूह की कार्यकर्ता की कड़ी मेहनत और समर्पण की भावना से सम्पन्न हुआ। पवनी से BCN न्यूज के लिए प्रदीप गाड़गे की रिपोर्ट।